मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी मंटू शर्मा और गोविंद को तमिलनाडु के रामेश्वरम से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसटीएफ की एक टीम दिल्ली में छापेमारी कर रही थी, वहीं एक टीम तमिलनाडु पहुंची थी। घटना का मुख्य आरोपी गोविंद है। आपको बता दें कि कुख्यात अपराध कर्मी प्रदुमन शर्मा उर्फ मंटू शर्मा के विरुद्ध मुजफ्फरपुर और पटना जिले के विभिन्न थानों में हत्या एवं रंगदारी का पूर्व से 15 कांड दर्ज है तथा गोविंद के विरुद्ध मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानों में हत्या एवं रंगदारी का पूर्व से 5 मामले दर्ज है। दोनों अपराध कर्मियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों दिल्ली चले गए थे और वहां से मुंबई, फिर वहां से चेन्नई गए थे। एसटीएफ की टीम इस घटना के बाद से ही लगातार लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन दोनों बार बार अपना लोकेशन और सिम दोनों बदल रहे थे। बुधवार की शाम मिले पुख्ता सुराग के आधार पर दोनों को बिहार एसटीएफ की टीम ने रामेश्वरम के पास से गिरफ्तार किया। बता दें कि मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुख्यात मंटू शर्मा और शूटर गोविंद सहित 5 लोगों की संलिप्तता सामने आई थी।